छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में गतिविधियां तेज हुई हैं। यहां आए दिन जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें कभी नक्सलियों की मौत होती है तो कभी जवान शहीद होते हैं। इस बीच अब यह बात सामने आ रही है कि मुठभेड़ में जवानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए नक्सलियों पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया गया है। इस बात की जानकारी खुद नक्सलियों द्वारा जारी किए गए पर्चे में दी गई है। हालांकि बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इसका खंडन कर दिया और इसे नक्सलियों का प्रोपोगेंडा बताया था। नक्सल एक्सपर्ट वड़िका शर्मा का कहना है कि नक्सलियों द्वारा ड्रोन से हवाई हमला किए जाने का दावा करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नक्सली इस बात को प्रसारित कर सहानुभूति पाना चाहते हैं। माओवादियों के द्वारा हवाई हमले की बात किया जाना उनकी एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसका संचालन उनकी एक स्पेशलाइज्ड प्रोपागेंडा मशीनरी के बाद किया जाता है। ये एक प्रकार से भ्रामक प्रचार तंत्र का बहुत ही गठित स्वरूप है, जिसके तहत ये क्या करते हैं कि जब एक लड़ाई ये मैदान में करके महाविनाशक लीला को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद दूसरी लड़ाई ये लोगों के दिमाग में खेलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो हमने देखा कि इन्होंने सुरक्षा बल के एक जवान को रिहा कर दिया और बार बार ये मध्यस्थों की बात भी सामने लाते हैं। उस रिहाई में हमने देखा कि इन्होंने शिफ्टिंग ऑफ माइंड कर दिया कि पूरी घटना का ध्यान इन्होंने भटका करके सुरक्षा बल जवान की रिहाई और निःशर्त रिहाई जैसी बातों पे सामने ला दिया। तो अब ये इनको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ गई है कि अब काउंटर इंसर्जेंसी तो होगी ही, क्योंकि केंद्रीय स्तर के बड़े अधिकारी, मंत्री और सभी प्रकार के सुरक्षा बल गठित होके अब किसी ना किसी नई रणनीति को अंजाम देंगे। तो इनमें एक प्रकार से बड़ी क्षति की आशंका है और भय का भी एक पुट इनके भीतर है, जो इनको यह महसूस करा रहा है कि अब इनको सुरक्षात्मक प्रचार की ओर आगे बढ़ना है और यही एक मार्ग है जिसके जरिए ये लोगों के बीच में जाके सिंपैथी गेन कर पाएंगे और कुछ ऐसे संगठन इनके सहभागी होंगे और इनको पुरजोर समर्थन करेंगे, जो कि ये बताना चाहेंगे कि माओवादी किस प्रकार से अपने तरफ से सकारात्मक पहल कर रहे थे और मानव होने के नाते उनकी इस पहल को अस्वीकार कर दिया गया, या कहीं ना कहीं दूर दराज शहर में बस रहे कुछ लोग इनके साथ एक प्रकार की सिंपैथी जनरेट करेंगे। यही वजह है कि ये घटना का अपूर्ण प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। वहां एयर स्ट्राइक जैसी ना ही कोई परिस्थितियां थी और ना ही इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेने का फिलहाल कोई औचित्य था, परंतु ड्रोन का उपयोग यदि किया भी जाता है, आप एक बार को मान ले, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए तो सामान्य पुलिसिंग में भी किया जा सकता है, परंतु वो उस ड्रोन में भ्रामक प्रचार करने के लिए 50% की सच्चाई भी यदि हो तो उसमें किस प्रकार का महिमा मंडन करके उसके साथ झूठ को मिला के इस प्रकार का अपूर्ण प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और लोगों के बीच में भ्रम जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ये कहें कि सुरक्षा बलों के द्वारा कठोर कार्यवाही की गई, जबकि माओवादियों के द्वारा सकारात्मक पहल हो रही थी। ये केवल एक भ्रम जाल है और इस भ्रम के मकर जाल में अब हम पे निर्भर करता है कि हम इसके ताने बाने में उलझते चले जाते हैं या फिर इस मकर जाल को काटने के लिए अपना तर्क और विवेक जागृत रखते हैं। केवल ये इनका एक माइंड गेम है। कभी ये इस प्रचार तंत्र का उपयोग भय फैलाने के लिए करते हैं तो कभी इस प्रचार तंत्र का उपयोग, इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसका उपयोग ये लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। एक बम ये फोड़ करके या एक विनाशक लीला करके ये लोगों की जान का हताहत करते हैं तो दूसरी तरफ ये लोगों के मस्तिष्क में भी विस्फोट की पूरी तैयारी करके रखते हैं, जो ये घटना के तत्काल उपरांत करते हैं। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।